नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं अस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां प्रथम प्रश्नपत्रे अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक के दो श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। अब यहाँ पर तीसरा श्लोक हम प्रारंभ कर रहे हैं। राजा मदन बाधाम निरूप्य भगवन कुसुम कुसुमायुध त्वया चंद्रमसाच विश्वसनीयाभ्याम अति संधीयते कामी जनार्थः। ये यहाँ पर राजा कह रहे हैं। राजा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ क्या काम पीड़ा का अभिनय करके, काम पीड़ा का अभिनय करके उसके लिए शब्द है मदन बाधाम निरूप्य। काम पीड़ा का अभिनय करते हुए भगवन, हे भगवन, हे भगवान, कुसुमायुध, हे भगवान कुसुमायुध। कुसुमायुध का मतलब फूल ही जिनका शस्त्र है, ऐसे कौन भगवान है? कामदेव। तो हे कामदेव भगवान, हे कामदेव भगवान, कामदेव भगवान को क्या कह रहे हैं? विश्वसनीय होकर भी आपने और चंद्रमा, आप और चंद्रमा दोनों कामियों, कामी जनों के प्रति समूह को आप धोखा दे रहे हैं। आप भी धोखा दे रहे हैं और चंद्रमा भी धोखा दे रहे हैं। ये यहाँ पर कहा हे कुसुमायुध, हे कुसुमायुध भगवन, त्वया चंद्रमसाच आपके द्वारा और चंद्रमा के द्वारा विश्वसनीयाभ्याम, विश्वसनीयाभ्याम विश्वसनीय होते हुए भी अति संधीयते कामी जना, कामी जन सार्थ है, कामी लोग, कामी जन, कामी जनों को आप काम भीड़ा, काम पीड़ा से संतप्त लोगों को आप, पीड़ा वाले लोगों को आप क्या दे रहे हो? संधीयते विश्वसनीय होकर भी आप उन्हें, कामी जनों को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हो। कुतः? क्योंकि अब यहाँ पर धोखा दे रहे हैं कामदेव और चंद्रमा के विषय में कह रहे हैं। अब राजा उनसे क्या कह रहे हैं कामदेव और चंद्रमा जी से, वह इस श्लोक में आप देखिए। तव कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदोह द्वयोमिदं मयथार्थ दृश्यते मद विधेशु विसृजति हिमगर्भैः अग्निमिन्दुर मयूखैः सत्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। देखिए, वापस से देखिए। सबसे पहले तव कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदोह, फिर द्वयम् इदम् अयथार्थ दृश्यते मद विधेशु, ये दूसरी लाइन है। और तीसरी विसृजति हिमगर्भैरग्नि मिन्दु मयूखैः सत्वम अपि, सत्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। देखिए क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देखिए, तुम्हारा फूल के बाणों वाला होना, त्वम कुसुम शरत्वम, तुम्हारा फूलों के बाणों वाला होना, और चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, और इंदोह शीत रश्मित्वम, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों मुझ जैसों के लिए असत्य दिखाई दे रहे हैं। मुझ जैसे काम पीड़ितों के विषय में ये दोनों ही बातें असत्य दिखाई दे रही हैं। कौन सी दो बातें? एक तो तुम्हारा फूल के बाणों वाला होना और दूसरा चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। ये दोनों ही बातें मुझ जैसे काम पीड़ितों के विषय में असत्य दिखाई दे रही है। मद विधेशु दृश्यते, कैसे? चंद्रमा तो शीतल यानी अंतर्भाग वाली किरणों से आग बरसा रहा है और तुम फूल के बाणों को वज्र के समान कठोर बना रहे हो। तात्पर्य क्या हुआ? चंद्रमा तो जो है वो क्या कर रहा है? चंद्रमा तो अग्नि की वर्षा कर रहा है, जबकि वह
शीतल किरणों वाला है, और तुम अपने फूलों जैसे कोमल वाणों को कैसा बना रहे हो, वज्र सारी करोशी वज्र के समान कठोर बना रहे हो। देखिए अन्वय से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक बार हम इसका अन्वय पढ़ते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसको आप संस्कृत में पढ़ेंगे, मदन संस्कृत में इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। संस्कृत तव, तव मतलब मदनस्य, कुसुम शरत्वम यानी कुसुमम, पुष्पम शरह यानी बाण, यस्य तत्वम तस्य भावः, इंदोः चंद्रस्य, शीतरश्मित्वम यानी शीताः हिमाः रश्मयः किरणाः यस्य तत्वम तस्य भावः, इदम् यानी एतत् पूर्वोक्तम, द्वयम् दोनों बातें, उभयम् अपि कौन से, मदविधेषु मदविद मम विधा प्रकाराः येषां तेषु तेषां विषये अयथार्थम न यथार्थम सत्यम, सत्य नहीं है, दृश्यते अनुभूयते, इंदुः चंद्रः हिमगर्भैः हिमकणों के द्वारा, हिमं तुषारः गर्भे अंतः येषां तैः मयूखैः किरणों से किरणैः, अग्निम हुताशनम विसृजति छोड़ रहा है त्यजति, त्वं भवान और आप, अपि च कुसुम बाणान कुसुमानि पुष्पाणि एव बाणः शरातान वज्रसारी करोषि यानी अवज्रसारान वज्रसारान करोषि यद्वा वज्रवत कुलशवत सारी करोषि दृढ़ी करोषि, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इसको एक बार से हम अलग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है इस श्लोक का जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि आपने जो उनको कह रहे हैं चंद्रमा और चंद्रमा के साथ कामदेव, उन दोनों को संबोधित करते हुए यहाँ पर राजा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर राजा, ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा फूलों के बाणों वाला होना यानी कामदेव का, तुम्हारा फूलों के बाणों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे काम पीड़ित व्यक्तियों के विषय में असत्य दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों वाला होने पर भी आग की वर्षा कर रहा है, आग बरसा रहा है, ठीक है, आग छोड़ रहा है, शीतल किरणों वाला, शीतल अंतर भाग वाली किरणों से आग की आग को डालता है यानी आग छोड़ रहा है, और तुम फूल के समान कोमल बाणों वाला होते हुए भी तुम फूल के बाणों को वज्र की भांति दृढ़ बना रहे हो, कठोर बना रहे हो, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। अब इसमें क्या विशेष बात है, काम और चंद्र क्रमशः कुसुम शरद और शीत रश्मि कहे जाते हैं, इनके विशेषण है। काम देव का विशेषण है और चंद्र का क्या विशेषण, तो कामदेव का तो विशेषण है कुसुम शर और चंद्रमा का विशेषण है शीत रश्मि, ये कहे जाते हैं, पर विरही के लिए विपरीत प्रभाव दिखते हैं। श्लोक यहाँ पर ये श्लोक में बताना चाहते हैं, चंद्रमा का वर्णन और कुसुमायुध अर्थात कामदेव का वर्णन, विरह दशा की उक्ति होने के कारण यहाँ पर उचित ही प्रतीत हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो क्रमशः नगण 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 मगण यगण यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं।
मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम से होते हैं। और यति कहाँ पर होती है? 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। पहली यति 8 पर, दूसरी यति पाद चरण के अंत में, पाद के अंत में, यानी पहले 8 पर यति, दूसरी 7 पर यति हो गए 15। ये इसका न न म य य युतेयम् मालिनी भोगी लोकैः, न न म य य युतेयम् मालिनी भोगी लोकैः, ये इसका लक्षण है। और अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, रूपक, उपमा, विरोध, परिणाम और अनुप्रास अलंकार है। कौन कौन से? प्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, रूपक, उपमा, विरोध, परिणाम, शेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, ये अलंकार हैं। परिक्रम में क्व न खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैर अनुज्ञातः श्रम क्लांतः मात्मानं विनोदयामि निश्वस्य किं न खलु मे प्रिया दर्शनाद् दते रिते शरणमन्यत् अन्यत्र यथा यावद् एनाम् अन्विष्यामि सूर्यम् अवलोक्य इमाम् अनु इमाम् मुग्रताम् वेलाम् प्रायेण लतावलयस्तु मालिनी तीरेषु सखीजना शकुंतला गमयति तत्रैव तावद् गच्छामि परिक्रम्य संदर्श्य रूपयित्वा आहु प्राणसुभगो अयम् उद्देशः। ये यहाँ पर गद्य है छोटा सा। परिक्रम्य घूमकर, क्वन खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः श्रमक्लांतमात्मानं विनोदयामि। इसका मतलब ये है कि घूमकर कार्य समाप्त हो जाने पर जो है सदस्यों यानी यज्ञ सभा के सदस्यों ऋषियों की अनुमति पाकर परिश्रम से थके हुए क्लांत थके हुए शरीर का क्लेश कहाँ विनोदयामी किस प्रकार मैं दूर करूं, निश्वास छोड़कर वो कहते हैं प्रिया के दर्शन के बिना मेरे लिए दूसरी कोई शरण कहाँ पर प्राप्त होगी, तो मैं थोड़ा इसे ढूंढता हूँ, अन्विष्यामी शकुंतला को ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक्य सूर्य को देखकर, प्रायेण प्रायः इस समय उग्र, प्रायेण प्रचंड धूप की यह वेला, प्रचंड धूप के इस समय को वह शकुंतला लता मंडप वाले मालिनी नदी के तट पर सखियों के साथ शकुंतला उसी जगह पर अपना समय बिताती है, तो मैं वहीं जाता हूँ और घूमकर स्पर्श का अभिनय करता है वहाँ के स्थान का। यह स्थान तो बहुत ही कैसा है, उत्कृष्ट वायु के कारण बहुत सुंदर स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा वह अनुभव करते हैं। और अपने अनुभव को वे एक श्लोक में रूपायित करते हैं। अब यहाँ पर एक श्लोक में वे इस वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, शक्यमरविंद सुरभिः कर्णवाही मालिनी तरंगाणां अंग अंगैरनंग तप्तैर अविरल मालिंगितुं पवनः। देखिए शक्यम अरविंद सुरभी कर्णवाही मालिनी तरंगाणां, ये पहली पंक्ति। दूसरी अंगैरनंग तप्तैर अविरल मालिनी मालिंगितुं पवनः, तात्पर्य क्या हुआ, कमल की सुगंध वाली और मालिनी की तरंगों के कण को धारण करने वाली हवा का काम तप्त
यानी अंग काम तप्त शरीर लगातार आलिंगन कर रहा है, कर सकता है। तात्पर्य क्या है? अनंग तप्तैः का मतलब है अनंगेन कामेन तप्तैः पीड़ितैः, यानी काम काम से पीड़ित अंगैः अवनैः अरविंद सुरभि, अरविंदस्य कमलस्य सुरभि गंधः इव सुरभि गंधः यस्य तादृशः मालिनी तरंगाणां मालिन्याः नद्याः तरंगाणां लहराणां कणवाही कणान शीतकरान वहति इति पवनः वातः अविरलं सततम् आलिंगितुम् उपगुहितुम् शक्यम् शक्यः। तात्पर्य क्या है? कमल की सुगंध वाली और कमल की सुगंध वाली और मालिनी की तरंगों के कणों को वहन करने वाली हवा का काम तप्त काम से पीड़ित अंग लगातार आलिंगन कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हवा तरंगों के संपर्क से शीतल और कण वहन करने से मंद और कमल के स्पर्श से सुगंधित है। अविरल का अर्थ लगातार है और यहाँ पर अनंग तप्त को कर्ता और अंग को करण भी माना जा सकता है। ऐसी वायु का ताप से तप्तों के लिए उद्दीपक है, दुष्यंत को सुख कर लगती है। ऐसा लगता है मन ही मन यह सोचकर कि शकुंतला का शरीर स्पर्श करके यह वायु आई है, वे सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए शक्यम कर्मवाच्य में पवन का विशेषण होने से इसका प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत श्लोक जो है वह छंद बताया है, आर्य छंद इसका प्रयोग हुआ है। आर्य छंद है और समासोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। छंद तो है आर्या, यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या, ये है। जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, वह आर्या छंद कहलाता है। और ये जो है मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और यहाँ पर अलंकार की बात करते हैं तो समासोक्ति अलंकार है और श्रुति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, छेकानुप्रास इत्यादि अनुप्रास के प्रकार भी हैं। तो अनुप्रास और समासोक्ति अलंकार है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।